Hi, good to see all of you and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So this is Priyanka and आज हम discuss करेंगे class 9th lesson number 6 lines and angles की theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Theorem में कह रहा है कि अगर दो lines आपस में intersect करती हैं, जैसे कि figure में हमने बनाया हुआ है, so line AB और line CD एक particular point O पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि इस केस में आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं. सो जब भी दो लाइंस आपकी एक्स शेप में काटती हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस, दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर हो गया ये और ये वाला एंगल, यानी एंगल 3 और एंगल 4 का. अब हम अपने फिगर में देखते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं. सो दिस वन एंगल ए ओ सी एंड दिस वन एंगल बी ओ डी, दिस इज वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड व्हाट इज अनदर पेयर, एंगल ए ओ डी, इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूं, एंड सी ओ बी, ये दोनों एंगल्स आके. तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखते हैं दैट वी हैव टू प्रूव एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी, क्योंकि ये एक पेयर है आपका और दूसरा पेयर है एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी. सो दोनों ही पेयर्स के लिए हम प्रूफ करेंगे. स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पेयर से. नाउ फोकस ऑन द लाइन ए बी, ए बी पर फोकस करेंगे और देखेंगे ओसी जो है वो एक रे है लाइन ए बी पर. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, सो दिस इज योर लाइन ए बी एंड ओसी, दिस इज योर पॉइंट ओ एंड ओसी. लाइन ए बी पर ओसी जब एक रे है तो ये वाला जो एंगल है यानी कि सीओबी और ये वाला एंगल यानी कि एओसी, ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर. यानी कि इन दोनों एंगल्स का अगर मैं ऐड कर देती हूं तो मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे. तो इस लाइन को हम लिख देते हैं ओसी इज अ रे ऑन लाइन एबी. सो ओसी रे है, इट मींस एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीजन लिख सकते हैं यहां पर लीनियर पेयर, और इस इक्वेशन को नाम दे सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट में हम लाइन सीडी को कंसीडर कर लेते हैं. इस पर लाइन सीडी, सीडी इस तरीके से है आपकी, दिस इज योर सीडी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड लाइन ओबी, नॉट लाइन रे ओबी, सो दिस इज ओ एंड दिस इज बी. अगेन ओबी इज अ रे ऑन लाइन सीडी, इट मींस एंगल सीओबी प्लस एंगल डीओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन वी हैव टू राइट द सेम थिंग, ओबी इज अ रे ऑन लाइन CD. So angle COB plus angle DOB या BOD कुछ भी लिख सकते हैं आप. So better if we write BOD क्योंकि हमें प्रूव करना है BOD. So BOD and this is equal to 180 degree. रीजन आपका सेम रहेगा, लीनियर पेयर है. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं. और अब हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 भी 180 डिग्री के इक्वल्स है और इक्वेशन नंबर 2 भी है जो है वो आपकी 180 डिग्री के इक्वल है. इट मींस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों की ही राइट हैंड साइड बराबर है. तो कैसे इक्वेट करेंगे,
angle AOC plus angle COB is equals to angle COB plus angle BOD. इस तरीके से. और अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी COB है और राइट हैंड साइड में भी COB है, तो दोनों वैल्यूज आपकी कट जाएंगी. बचेगा क्या, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD. और यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, यही हमें प्रूव करना था. सो वी हैव प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल लाइक दिस. सो वी हैव प्रूव फॉर वन पेयर. और सिमिलर वे में हम सेकंड पेयर के लिए प्रूव. अगेन फोकस ऑन लाइन AB. सो AB बना लेते हैं एंड रे OD. This is your O and this is D. So ये आपकी रे OD है और यहाँ पर भी दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि AOD plus BOD. Both these angles का यदि हम addition करें, add करें, sum करें तो मिलेगा हमें 180 degree, क्योंकि ये दोनों angles supplementary angles हैं. So OD is a ray on line AB. सो अगर OD रे है लाइन AB पर, इट मींस एंगल AOB AOD प्लस एंगल BOD दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन इज लीनियर पेयर. और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 लाइक दिस. अब सेकंड केस में हम फोकस करेंगे लाइन CD पर. लाइन CD पर फोकस कर लेते हैं और OB यहां पर एक आपकी रे है. इट मींस एंगल BOD प्लस एंगल BOC या फिर हम कह सकते हैं COB, कुछ भी कह सकते हैं आप. इन दोनों एंगल्स का जो सम है दैट इज अगेन इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, OB इज अ रे ऑन लाइन CD. So angle BOD plus angle COB. This is equals to 180 degree and this is linear pair. और इसको हम नाम दे देंगे equation number 2. और हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है दैट इज 180 डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 की भी जो राइट हैंड साइड है दैट इज आल्सो 180 डिग्री. इट मींस दोनों ही इक्वेशंस कैसी हैं, बराबर हैं. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस की आरएचएस बराबर है, इसीलिए हम इनकी एलएचएस को भी बराबर कर सकते हैं. तो पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एंगल AOD प्लस एंगल BOD एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल BOD प्लस एंगल COB. और अब हम देख रहे हैं कि BOD हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी है और BOD राइट हैंड साइड में भी है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम काट देंगे. हमें मिलेगा एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, यानी कि AOD कौन सा है आपका, AOD ये वाला एंगल एंड COB यानी कि COB ये वाला एंगल. तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बराबर है. और यही हमें प्रूव करना था फॉर सेकंड पेयर दैट एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. So this is a proof of the theorem, and if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.